सीरियल अनुपमा में आया है इंटरेस्टिंग मोड, जब 26 साल बाद खत्म हुआ अनुज का इंतजार और अनुपमा ने अनुज से कहा कि वो उसके साथ बूढ़ी होना चाहती है। एक तरफ जहां सीरियल अनुपमा में अनुपमा और अनुज का दिखा क्यूट मोमेंट, तो वहीं दूसरी तरफ अनुज अनुपमा से पूछता है कि इसका क्या मतलब है, जिसके बाद अनुपमा उसे बिठाती है और कहती है कि दुनिया में हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। वो उसे बताती है कि बचपन से ही उसे सिखाया गया है कि प्यार में पड़ने की एक उम्र होती है, लेकिन जब वह अनुज से मिली तो उसने महसूस किया कि उसकी कोई उम्र नहीं होती और किसी व्यक्ति की खुशी उसकी उम्र पर निर्भर नहीं करती है। अनुपमा अनुज से कहती है कि उसने महसूस किया है कि 26 साल से अनुज ने बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी मांग से उसे प्यार किया है। अनुपमा अनुज से कहती है कि जब देविका ने पहली बार उसका नाम लिया तो वो बहुत परेशान थी, क्योंकि वनराज ये सुनकर परेशान हो गया था, लेकिन वास्तव में कान्हा जी की ओर से अनुपमा को अनुज को याद करने का इशारा था, क्योंकि वनराज पहले ही काव्या के पास जा चुका था। जिसके बाद अनुज अनुपमा से पूछता है कि ये क्या है, तब अनुपमा उसे बताती है कि उसने पहले उससे कहा था कि अब उसके जीवन में किसी नए व्यक्ति या नए रिश्ते की कोई जगह नहीं है, लेकिन वो गलत थी। अनुपमा अनुज से कहती है कि उसने उसके दिल और जीवन में अपने लिए जगह बनाई है। अनुपमा अनुज से कहती है कि उसे नहीं पता कि युवा पीढ़ी इसे कैसे कहती है, लेकिन वो उसे अपने अंदाज में कहेगी। अनुपमा अनुज से बताती है कि शुरू में वो उसके लिए एक अजनबी था, लेकिन फिर वो उसका दोस्त बन गया और धीरे धीरे उसके दिल में चीजें बदलने लगी और उसे बाद में एहसास हो गया, लेकिन ये बहुत पहले ही हो चुका था। वेल, सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अनुपमा अनुज को राधा और कृष्ण के बारे में एक शायरी बताती है, जिसके बाद अनुज अनुपमा से पूछता है कि वो क्या कहना चाहती है, जिस पर अनुपमा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहती हूँ। ये सुनकर अनुज हो जाता है इमोशनल। वेल, सीरियल की कहानी में आगे आएगा कौन सा नया ट्विस्ट, ये देखना दिलचस्प होगा।